हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दिव्या और आप देख रहे हैं दिव्या प्लांट्स ब्लॉगर। आज मैं आपको एलोवेरा प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगी, जिससे आपका भी एलोवेरा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तीन पॉइंट बात कर लेती हूँ। तो पहला पॉइंट है इसकी मिट्टी आपको कैसे तैयार करनी है। तो इसकी मिट्टी में आपको मिट्टी, बालू और गोबर की सड़ी हुई खाद आपको मिक्स करनी है और इसको लगा देना है। और मैं इसकी पानी की बात कर लूँ तो आपको पहली बार इसमें इतना पानी देना है जिससे इसकी मिट्टी पूरी तरीके से भीग जाए। और फिर दोबारा जब इसको पानी तभी देंगे जब इसकी मिट्टी की ऊपर की एक या डेढ़ इंच की लेयर सूख जाए, तब इसमें पानी दीजिए। क्योंकि एक हार्डी प्लांट है तो इसमें कुछ जल्दी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख जाए। और मैं इसकी सनलाइट की बात करूँ तो आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन हो जाएंगी। तो इनडायरेक्ट सनलाइट आप इसको पूरे दिन की दे सकते हैं। और यदि आप इसको डायरेक्ट देना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की धूप दीजिए और इसको इसको छाया जगह में रख दीजिए। यदि आपका प्लांट ब्राउन कलर का हो गया है तो आप इसको धूप से उठाकर छाया में 2 दिन के लिए रख दीजिए, फिर ये अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा और अच्छे से चलेगा। मैं इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर लूँ तो आप इसमें 1 महीने में 1 बार गोबर की सड़ी हुई खाद आप डाल सकते हैं इसमें। और अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको बनाना पिल्स या अनियन पेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जिससे आपका एलोवेरा भी ऐसे ही हरा भरा रहेगा। और मैं आपको अपने प्लांट दिखा देती हूँ, इसमें मेरे ये देखो कितने सारे बेबी प्लांट अपने आप ही आ गए हैं। और देखिए मेरा एलोवेरा इतना हरा है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी अपना एलोवेरा प्लांट ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह जैसे मैंने बताया आप इसको ऐसे ही केयर करिए तो ये बहुत अच्छे से चलेगा और अपने आप इसमें बेबी प्लांट्स आएंगे। अगर अभी आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आगे आपको किस कौन सी वीडियो देखनी है उसके लिए कमेंट में बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए। नमस्ते।